हेलो गाइस, सो आज सीखते हैं एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट परसेंटेज का, राइट। ये सपोज करो, कई बार होता है क्या है कि सवाल क्या होता है हमारे पास, सपोज ये बोलेंगे कोई एक कंपनी है, उसकी एक किसी साल में दैट इज 2017 में कोई सेल थी, और 17 से 18 वो लोग ये बोलेंगे कि सेल जो है वो लेट से 20% से बढ़ रही है, 20% से बढ़ रही है, और उन्होंने ये दे दिया कि 18 की जो सेल्स है उसकी वैल्यू उन्होंने दे दी, लेट्स से 18 की सेल्स की वैल्यू दे दी उन्होंने लेट से 9,000, राइट। तो हमें ये पता लगाना है 17 की सेल्स कितनी होगी, राइट। तो इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, या इसका तो बेसिकली हमारे पास एक मेथड होता है इसके लिए, राइट। वो क्या होता है कि अगर लेट्स से एक कोई क्वांटिटी पी है, उसको अगर मैं फ्रैक्शन पार्ट में, नॉट परसेंटेज, फ्रैक्शन पार्ट में 1/x फ्रैक्शन से बढ़ाऊँ और नई क्वांटिटी आ गई क्यू, अब अगर मुझे वापस जाना है इसमें क्यू से, वापस से अब अगर हमें पी की वैल्यू निकालनी है तो हमें कितना कम करना पड़ेगा, तो बेसिकली हमें कम करना पड़ेगा, सब्ट्रैक करना पड़ेगा 1/x + 1। मतलब अगर 1/x पार्ट ऑफ पी बढ़ रहा है तो अगर हमें वापस जाना है तो 1/x + 1 पार्ट ऑफ क्यू में कम करना पड़ेगा। अगर कहीं इस तरह से, एक मैं बहुत आसान सा एग्जाम्पल लेता हूँ, कहीं पर 1/4 पार्ट बढ़ रहा है तो वापस आने के लिए हमें कम करना पड़ेगा 1/5 पार्ट। इस तरह से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हो क्या रहा है, उसी सेम कंसेप्ट को मैं यहाँ पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। 20% हम सबको पता है 1/5 होता है, तो 17 से 18 जाने में 1/5 बढ़ रहा है, मतलब वापस आने में बाय द सेम लॉजिक 1/6 कम होगा। यार 9,000 को 6 से डिवाइड करो, कितना आया, 1500 आया। 1500 कम कर दो इससे अगर, तो हमारे पास यहाँ बचेगा क्या, 7500। ये चीज़ है, तो इस वजह से हम इसकी आसानी के साथ वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लूँगा, तो देखते हैं जरा। अगेन सपोज करो, एक कोई कंपनी है, उसकी सेल्स 2011 की गिवन है और 2012 की गिवन है, राइट। सपोज 2012 की सेल जो गिवन है वो है 28,280, राइट, 280 करोड़ रुपीस। तो मैं 2011 की सेल्स निकाल ली है, मैं कंडीशन क्या है पता है, 11 से 12 जाने में जो सेल्स में इंक्रीज़ हो रही थी वो इंक्रीज़ हो रही थी 16.2/3%, ठीक है। तो मैं ये पता लगाना है, तो एक बात बताओ, फिर से यही कंसेप्ट अप्लाई करते हैं हम लोग। ये जो होता है, ये परसेंटेज होता क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में इसको हम लिखते हैं 1/6। तो अगर यहाँ से यहाँ जाने में 1/6 बढ़ा रहे हैं, तो वापस जाने में हम लोग क्या करेंगे, बाय द सेम लॉजिक एक्स की वैल्यू 6 है, x + 1 7 होगा, तो 1/7 कम कर देंगे। तो 280 से 1/7, 280/7 40 होता है, 40 कम कर दो तो यहाँ पे अपने आप हमारे पास क्या आ जाएगा, 240 करोड़। दैट्स इट, तुम्हारा आंसर क्या होगा, 240 करोड़। अच्छा, ये जो चीज़ होती है, ये और भी बहुत सारे कंसेप्ट में, और भी डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस में अप्लाई होती है। कैसे, ये सपोज करो, एक मैं आसान सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, राइट। एक कोई आर्टिकल है, उस पे प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है। सपोज करो हमें ये पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो गिवन है 25%, और उसके बाद लेट से एसपी हमें गिवन है, राइट। एसपी गिवन है, सपोज कर लेते हैं एसपी हमारे पास है लेट से 450, ठीक है, कोई भी एसपी ले ली मैंने 450। सवाल है हमें सीपी की वैल्यू पता लगानी है, बहुत आसान सवाल है। अब इस मेथड से हम फटाफट कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ मैंने लिखा सीपी, यहाँ मैंने लिखा एसपी, जो एसपी है वो सीपी से 25% ज़्यादा है। तो अगर एसपी सीपी से 25% ज़्यादा है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में प्रॉफिट 25% का हो रहा है, 25% बढ़ रहा है, मतलब 1/4 बढ़ रहा है। तो अब अगर हमें वापस आना है तो हमें 1/5 करना, कम करना पड़ेगा। एसपी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है ये कितना है, 450 है, तो सीपी इसका 1/5, इसको 5 से डिवाइड करो 90 आया, 90 कम करो सीपी अपने आप आ गया 360। इतनी आसान चीज़, क्योंकि ये भी वही चीज़ हो गई ना, कितने परसेंट की इंक्रीज़ है, राइट। कि एसपी जो है वो सीपी से 25% ज़्यादा है, मतलब 1/4 पार्ट ज़्यादा है, तो वो चीज़ हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसी का इसमें रिवर्स पार्ट हो सकता है, कि अगर हो सकता है पहली बार क्वांटिटी कम हो रही होती, मतलब अभी तक हम लोग ने जो पार्ट डिस्कस किया वो क्या था कि एक कोई क्वांटिटी पी है, एक कोई क्वांटिटी क्यू है, यहाँ से यहाँ जाने में अगर 1/x बढ़ रहा है
तो वापस आने में हमें कम करना पड़ेगा 1/x+1, राइट। अच्छा, इसी तरह से अगर सपोज करो P से Q जाने में 1/x कम हो रहा है, तो वापस आने में हमें बढ़ाना पड़ता है 1/x-1, राइट। तो ये चीज़ होगी, अगर यहाँ 1/x कम हो रहा है तो वापस आने में हमें बढ़ाना पड़ेगा 1/x-1, ठीक है। तो ज़रा इस कंसेप्ट को फिर से देख लेते हैं, राइट। थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करते हैं कोई टाउन है, राइट। टाउन का नाम कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं। टाउन की पॉपुलेशन 2015 में से 2016, राइट। सपोज करते हैं टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 20% से कम हो रही है, राइट। तो मे बी कुछ लोग आसपास वाली सिटीज़ में चले गए या कुछ भी हुआ, टाउन की पॉपुलेशन 20% से कम हो रही है। और 2016 की जो पॉपुलेशन है, सपोज करो मैं ये पता है, क्या ले लूँ मैं, 3600, तो हमें 2015 की पॉपुलेशन पता लगानी है, हमें ये चीज़ पता लगानी है। तो सिंपली हम देख सकते हैं 20% कम हो रहा है, मतलब क्या हुआ, ये 1/5 पार्ट कम हो रहा है। तो अब अगर हमें वापस जाना है तो बाय दिस लॉजिक हम बढ़ाएंगे कितना, हम बढ़ाएंगे 1/4 पार्ट। तो अब अगर हम 1/4 पार्ट बढ़ाते हैं, इसको 4 से डिवाइड करो, 900 आया, 900 ऐड करो इसमें, हमारे पास अपने आप कितना आ गया, 45 बन रहे, राइट। अब इसी चीज़ को हम प्रॉफिट और लॉस वाले सवाल में भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। वो कैसे होगा देखते हैं ज़रा। ये वाला चीज, राइट। तो सपोज करो एक कोई आर्टिकल है, उसको बेचने पे लॉस हो रहा है, और लॉस परसेंटेज सपोज ये हमें गिवन है 11 1/9%, लॉस परसेंटेज इज 11 1/9%, और एसपी की वैल्यू हमें पता है, लेट्स से एसपी इज इक्वल टू 72, और हमें पता लगाना है सीपी कितना होगा, राइट। तो मैं ये पता लगाना है सीपी कितना होगा, तो सिंपली एक काम करते हैं, यहाँ मैंने लिखा सीपी, यहाँ मैंने लिखा एसपी, एसपी हमें पता है 72, कह रहे से यहाँ से यहाँ जाने में 11 1/9 कम हो रहा है, 11 1/9% कम हो रहा है। अच्छा, इसका जो वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन फॉर्म में 11 1/9% कितना होता है, मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करोगे ये 1/9 होता है, तो यहाँ 1/9 कम हो रहा है। अब अगर हम वापस जाएंगे तो हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1/8 बढ़ाना पड़ेगा, तो 72 को 8 से डिवाइड करो, कितना आया, 9, तो हमें यहाँ सिंपली 9 ऐड करेंगे और सीपी की वैल्यू आ जाएगी 81, यही हमारा आंसर है, राइट। तो होपफुली अब आपको ये चीज़ पता है कि हम इस चीज़ को अप्लाई कैसे कर सकते हैं, राइट, एंड वी कॉल इट बेस चेंज। हम इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, बेस चेंज, ठीक है। Thank you.